तो 9:18 हो गए हैं, अब यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और आज का स्केड्यूल काफ़ी बिजी है। 8 बजे क्लास थी जो कि रीस्केड्यूल हो गई है और बाकी 4 बजे तक क्लासेज हैं। चलते हैं यूनिवर्सिटी की एंडेक्स करवाइए क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है आज। एंडेक्स हमारी आ गई है और लेक्चर में कुछ 10 मिनट रह गए हैं सिर्फ, तो 15 मिनट तकरीबन लग जाएंगे यूनिवर्सिटी पहुँचते हुए। भाई के If you feel like I do right now, don't say you're on. Assalamu alaikum. पाकिस्तान में यहाँ पे वेदर का कोई पता नहीं होता, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन बारिश यहाँ पे इतनी तेज़ नहीं होती, हल्की हल्की बारिश होती है और अक्सर कई कई घंटे होती रहती है। और स्नोफॉल वो तो भी परसों ही हुई है, लास्ट ब्लॉक में मैंने ऐसे ही आपको दिखाया था। और अभी यूनिवर्सिटी पहुँच है बस टाइम से, क्योंकि मैथमेटिक्स का लेक्चर है सर समीर का, लेट हुए तो सर ने एंटर नहीं होने देना और एब्सेंट लग देनी है। फॉर्चुनेटली सिर्फ 5 मिनट लेट हुए थे और लेक्चर हाल में दाखिला मिल चुका है। लेक्चर नोट्स चल भाई Okay. Do you have? Okay. I will. Just. Yes. Just. Oh, just. Okay, I will take. Okay, but listen. So, another lecture, another note. इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। जान लेक्चर कैंसिल हो गया अगला। ये हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, ये मतलब कटिंग करवाने के लिए 3 बार आ चुके हैं, बहुत हाई लेवल डॉक्टर हैं ये माशाल्लाह। एक साल बाद ये MBBS डॉक्टर बन जाएंगे और पाकिस्तान में सबको फ्री इलाज करेंगे, किसी से कोई पैसे नहीं लेंगे। और आप लोगों से अपील की जाती है कि इनके पास आएँ और ट्रीटमेंट करवाएँ। बहुत ही प्यारे भाई हैं, आपका नाम क्या है? ये फिजान भाई है, मैं नाम भूल गया था। अभी डॉक्टर बने नहीं, पहले ट्रीटमेंट करवा लें।
दो लेक्चर हमने ले लिए थे और तीसरा कैंसिल हो गया था, तो उसके बाद जो हमारी क्लास थी वो 4 बजे थी, तो हमने कटिंग कराने का प्लान बना लिया। तो कटिंग करवा के अभी हम लोग घर आए हैं, तो थोड़ा सा टाइम है अभी, और तो सोचा क्यों ना ब्लॉग अपलोड कर लें जो कि तैयार है। सो ये पहला ब्लॉग है जो अपलोड हो रहा है आज, तो इंशाल्लाह ये शाम को पब्लिश हो जाएगा 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। सो आज की लास्ट क्लास रहने के लिए मैं फिर यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। सो हल्की हल्की बारिश फिर शुरू हो गई है और टैक्सी हमारी फिर आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। सो दोबारा यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, एक प्रैक्टिस क्लास है 4 बजे और तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं 3 बज के। प्रैक्टिस क्लास के बाद मैं फ्री हूँ फिर यूनिवर्सिटी से, फिर दोबारा वापस आना है, फिर मशहूर के पे वापस आएंगे। तो मॉर्निंग में 2 क्लासेस जो ली थी वो लेक्चर क्लासेस थी जो कि 3rd फ्लोर पे होती हैं, और ये जो प्रैक्टिस क्लास है ये 5th फ्लोर पे होती है, और 5th फ्लोर पे अराउंड 100 रूम है, 501 से लेके 599 तक। इसके अलावा डीन हो गया, डीन का ऑफिस भी है यहाँ पे और LMS का ऑफिस भी है, तो काफ़ी यानी कि बड़ी बिल्डिंग है इसकी IMU की, और अनलाइक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इन किर्गिस्तान जहाँ पे स्टूडेंट्स को डिफरेंट कैंपसेस में जाना पड़ता है डेली रूटीन में, यानी कि एक क्लास उन्होंने इस कैंपस में ले रहे हैं, एक मॉर्फ कैंपस में ले रहे हैं जैसे IUP के स्टूडेंट्स हैं, और बहुत से और यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे एडन यूनिवर्सिटी है, PMC अप्रूव नहीं है लेकिन उसके भी 2 कैंपसेस हैं, एक ओल्ड कैंपस और एक न्यू कैंपस। लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी है इसमें तकरीबन सारी क्लासेज एक ही बिल्डिंग में होती है, एक ही कैंपस में होती है, और सिर्फ हॉस्पिटल क्लासेज हैं जो कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में होती हैं। वैसे अफसोस की बात है, किसी जीनियस ने ना बबल खा के टेबल के नीचे लगा दिए। 521 नंबर रूम है और 3rd लास्ट बेंच है, जिस भी बंदे ने ये बबल नीचे लगाई है ना उसको मेरे दोनों हाथों से सल्यूट है। Almost done. चलो ये हमारी इंडेक्स फिर आ चुकी है और हम अभी जा रहे हैं एशिया मॉल। सो सारे बैठ चुके हैं अंदर। ओके ओके प्रिया खली आसिया मॉल तो हम लोग पहुँच गए एशिया मॉल। उस तक प्यास से एशिया मॉल आने में हम आधा घंटा लग गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, सैटरडे नाइट आज, तो अंदर चलते हैं फिर बताते हैं क्या करना है।
सो एशिया मॉल के थर्ड फ्लोर पे आ गए और यहाँ पे हम लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए आए हैं और ये है जैक्स। तो इसकी में हमें सिर्फ जैक्स के पिज़्ज़ा पसंद है क्योंकि यहाँ पे सारे पिज़्ज़े मीठे होते हैं तो इनका टेस्ट थोड़ा अच्छा है। तो दिखाते हैं आपको सीन कैसे हैं। मीडियम थे वो उस दिन, वो मीडियम थे ब्रो, ये बड़े लार्ज थे वाले। एक चिकन कर लो, एक बता लो, बता फिर। दिल आ गया ब्रो तुम्हारा? चलो ठीक है, वापसी भी देखते हैं। आ जाओ प्रॉन्स टेबल चलें। दुकान कौन सी लेनी है? ये है फिर तुमने कोला ही है। अच्छी अच्छी ब्रांड लगी हुई है इसमें से नहीं मिली? नहीं तो पलो खाया था मूसू। भाई किधर जा रहा है? कैचअप देना वो उसे तकन भी देख लेंगे। ओह हैंड्स का ये वाला काफ़ी है इसमें ना? हाँ बहुत है। चलो आ जाओ। नहीं ये वाला ठीक है, वो दूसरी साइड में मिल गया। हेलो पिज़्ज़ा हमारा आ गया। ये चिकन पिज़्ज़ा है और ये है बीफ, साथ में फ्राइज है, केचप है और ये साथ में कोला। कह रहा हूँ हमें बहुत मज़ा आ रहा है, हम अपने बड़े भाई के साथ घूमने आए हैं इधर। यहाँ नीचे भी सर्दी है और ऊपर भी सर्दी है। नीचे बर्फबारी हो रही है, ऊपर भी स्नो फॉलिंग हो रही है। नहीं नीचे बर्फबारी हो रही है, ऊपर स्नो फॉलिंग हो रही है। तो आप ले आना है, पूरा नहीं करेंगे, बिजली नहीं आती। भैया पे शवारमा, शवारमा कह रहे हैं भैया पे पिज्जा पड़ा हुआ था, आपको पता कहाँ गया? आपको पता कहाँ गया? यार मैं तो अभी आया, मुझे तो नहीं पता। ऑर्डर किया हुआ है? अभी आ रहा है, 5 मिनट में। यहाँ नेक्स्ट आ रही है 5 मिनट में। अगला यार लाल तो बोला। अरे 200 पड़े हैं स्पाइसी का। यार आज 200 मुझे एक अज्जे ने छोड़े हैं, आपको 700 छोड़ दिए हैं। छोड़ दिए यार, मेरी तो मेरी 5 सालों की जिंदगी में इसने कितने पैसे। ब्रो मैं खुद चौथा साल है मेरा, मैं कभी 2 रुपए नहीं छोड़े इन्होंने। यार बस ऐसे बड़ा दिल हो गया लगता है इन लोगों का। 200 छोड़ दिए। कैपेसिनो को लाते हो आज 200 मान। कैपेसिनो यार वो ऊपर कोको पाउडर डाल के हैं फटी साहब, बना देते हो? बना देंगे यार। चलो फिर ओके हैं।
सो आज इतवार है और 4 बज चुके हैं। आज हम इतना सोए हैं जितना सोया जा सकता था, और कितना सोया जा सकता था ब्रो? आज मैं कितने घंटे सोया हूँ? 15 घंटे और 50 मिनट। ओह ब्रो, नोट कर रहा था कि मैं कब सोया हूँ कब उठा हूँ। तकरीबन एशिया मॉल से जब हम लोग घर रहे थे 9 बजे होंगे, और मैं उसके 10-15 मिनट बाद सो गया था, और तकरीबन 12:50 पे उठा हूँ आई थिंक। तो उसके बाद अभी हम सोच रहे थे नाश्ता क्या करें क्या करें, तो अभी हम लोगों ने फैसला किया कि हम स्पाइसअप जा रहे हैं, वहाँ पे आलू वाले नान खाएंगे। सो बस से हम लोग उतर गए हैं स्टॉप पे, यहाँ से अभी हम पैदल जाएंगे। ये आई यू के का जो हॉस्टल है, ये भी हॉस्टल उसके सामने है स्पाइसअप, तो वहाँ चल के मिलते हैं। यार आप बहुत दुनिया निकाल रहे हो। वो आपको हॉस्टल चाहिए? हमारे बिल्कुल पास कहाँ पे तुम कुछ सो ये IUK यूनिवर्सिटी है, देख सकते हैं ये इसकी बिल्डिंग है, और ये जो है VIP हॉस्टल है। हॉस्टल जो है यूनिवर्सिटी से काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके और भी कैंपसेस हैं, सिर्फ ये एक नहीं है। स्पाइसअप ये खा रही जाना पड़ेगा। और हमने क्या खाना है वैसे? हम तो वही खाने आए थे आलू वाले नान। अगर कुछ और खाना नहीं तो फिर हमने आलू वाले नान ही खाने हैं। आ जाओ तो स्पाइसअप रेस्टोरेंट पे आ गए हैं, और हमने आलू वाले नान लगवाए हैं, और थोड़ी देर तक आटा जाएगा, यहाँ पे मैच देख रहे हैं। पाकिस्तान जूनियर लीग का ब्रो, पाकिस्तान कप, पाकिस्तान कप। यहाँ पे वैसे किसी की बर्थडे की तैयारियाँ हो रही हैं, कौन है वो? सो हमारे नान आ गए हैं साथ में रायता। तो पराठे हमने खा लिए हैं जो कि बहुत डिलीशियस थे, उसके बाद हम लोग चाय पी रहे हैं, क्योंकि आपको पता नाश्ते में चाय के बगैर नाश्ता होता नहीं है। नाश्ता हमने कर लिया, और ये 2 पराठे पैक करवा लिए फिजान के लिए, रोने करवानी है कटिंग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, फिर आ गए हम आपके पास। कितना टाइम लगेगा भाई कटिंग को? भाई की एक महीने से रुकवानी है, उन्हें रुकवानी है। चलो भाई ठीक है, आप लोग कटिंग करवा लेना, फिर मैं चलता हूँ। है ओके, तो वहाँ पे कटिंग पे टाइम बहुत लगना था। अभी हुसैन ने भी कटिंग करवानी थी, और अली ने भी करवानी थी। मुझे तो ये था कि हुसैन ही करवाएगा, और ये भी नहीं था पता कितना रश होगा वहाँ पे, तो इसलिए अभी कम से कम उनको 1.5-2 घंटे तो लगेंगे वहाँ पे, तो इसलिए हम लोग वापस चलते हैं, और कुछ नहीं तो अपना व्लॉग एडिट कर लेंगे। सो उस तक 5 में वापस आ गया हूँ। IUK यहाँ से बिल्कुल पास ही है, लेकिन यहाँ पे आते आते भी कम से कम 20 मिनट लग गए हैं मुझे। रात को हम लोग इंडेक्स पे भी एशिया मॉल जब जा रहे थे, तो 1.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा था। तो कंट्री तो छोटा था, 65 लाख आबादी है यहाँ की, और ज़्यादातर रहते बिश्केक में ही हैं, लेकिन ट्रैफिक का इशू यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया रिसेंटली ना। फैजान, फैजान नाश्ता कर लो यार। क्या बात है, 5 बज गए हैं और और तुम अब नाश्ता करने लगे हो यार। वैसे शर्म तो नहीं आई तुम्हें ये प्लेट का कहते हुए, है ना? जाओ खुद ही ले आओ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज अतवार है, और अतवार ही का दिन होता है जो फ्री होता है, क्योंकि 6 दिन तो यूनिवर्सिटी जाना होता है। कुछ दिन तो सुबह 8 से 4 बजे तक क्लासेज होती हैं, कुछ दिन एक आई थिंक बुध वाले दिन हमारी सिर्फ 1 क्लास होती है, वरना तकरीबन रोज़ 3, 4 या 5 क्लासेज होती हैं। तो आज संडे था, सोते रहे हैं सारा दिन, मेरी नाश्ता करके आए हैं, अभी व्लॉग एडिट करूँगा और खाना बनाऊँगा, उसके बाद सो जाऊँगा दोबारा से। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।
करवाया कटिंग तू। मौसम की क्या डिमांड है,